Hello everyone, in the last video we give you some problems. बेटा हमने क्या किया था, आपको कुछ प्रॉब्लम दिया था लास्ट वीडियो में, ठीक है, जिसमें आपको क्या करना था, क्लासीफाई करना था एलिमेंट कंपाउंड और मिक्सचर को, ठीक है. तो देखिए बेटा, हमारा जो क्वेश्चन था उसमें आपको मिक्सचर एलिमेंट और कंपाउंड को क्लासीफाई करना था अलग अलग, ठीक है. तो अब उसका बेटा आंसर आप लोग मिला लीजिए. नहीं, पहला हमने दिया था आपको डायमंड के बारे में. तो डायमंड क्या है बेटा, डायमंड एक एलिमेंट होता है. दूसरा था बेटा स्टील. स्टील क्या है बेटा, स्टील देखिए कई मटेरियल्स का मिक्सचर होता है, तो इट इज अ मिक्सचर. मार्बल, मार्बल भी क्या होता है बेटा, मार्बल एक कंपाउंड होता है, तो आप इसको कंपाउंड कहेंगे. स्मोक, स्मोक क्या होता है बेटा, स्मोक एक मिक्सचर होता है. लॉफिंग गैस हमने दिया था, लॉफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड को बोलते हैं और ये आपका कंपाउंड में आ जाएगा. देन एलपीजी, एलपीजी आपका क्या था, मिक्सचर है. मिक्सचर क्यों है, क्योंकि एलपीजी में कई सारी गैसेस मिक्स होती हैं. देन ड्राई आइस था, ड्राई आइस आपका क्या होता है, कंपाउंड होता है. ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस बोला जाता है, तो ये कंपाउंड हो जाएगा. देन आपका क्या था, क्लाउड था, और क्लाउड आपका क्या हो जाएगा बेटा, मिक्सचर हो जाएगा. वाइन, वाइन कई सारे मटेरियल से मिलके बना, तो ये भी आपका मिक्सचर. और फिर डीजल आपका था लास्ट में, डीजल भी आपका एक मिक्सचर ही है, ठीक है. तो बेटा यही आपको प्रॉब्लम था, तो हमने बता दिया. डायमंड एलिमेंट में आ जाएगा, स्टील मिक्सचर, मार्बल कंपाउंड, स्मोक मिक्सचर, लाफिंग गैस कंपाउंड, एलपीजी मिक्सचर, ड्राई आइस कंपाउंड, क्लाउड मिक्सचर, क्वाइन मिक्सचर एंड डीजल भी मिक्सचर में आपका आ जाएगा, ठीक है. चलिए अब देखिए, हम क्या पढ़ेंगे बेटा, प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, मटेरियल्स के प्रॉपर्टीज़ और मेजरमेंट के बारे में जानेंगे. तो अवर नेक्स्ट हेडिंग इज़ प्रॉपर्टीज एंड मेजरमेंट ऑफ मैटर्स. मैटर के प्रॉपर्टीज और मेजरमेंट के बारे में हम लोग बेटा क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है. नाउ इसमें पहला पॉइंट आपका आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टी देखिए बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, जो हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं, ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है. तो वी कैन से दैट फिजिकल प्रॉपर्टी आर दोज प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर्ड मेजर्ड और ऑब्जर्व विथाउट एनी चेंज इन द कंपोजिशन और आइडेंटिटी. Of the
सब्सटेंसेस। ठीक बेटा, ये आपकी क्या हो जाएगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाएगी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट एनी चेंजेस इन द कंपोजिशन और आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस। जो हमारा सब्सटेंस है बेटा, इसका हम लोग मेजर करेंगे या ऑब्जर्वेशन करेंगे, और ये आप जैसे ऑब्जर्वेशन क्या होता है, बिना किसी चेंज के करेंगे। जो मटेरियल आपका पहले था वही अब भी रहेगा, ठीक है। तो ये आपका बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया। देन केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी बेटा क्या होती है, तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, ये केमिकल सब्सटेंस में होती है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज इन विच केमिकल्स सब्सटेंसेस अकर्स इन दी सब्सटेंस। नाउ वी कैन राइट दिस प्रॉपर्टीज इन विच केमिकल सब्सटेंसेस अकर्स इन दी सब्सटेंस। ठीक बेटा, ये जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये मटेरियल केमिकल मटेरियल्स में होता है, ठीक है। देन फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, देखिए फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ये साइंटिफिक स्टडीज होता है। तो हम लोग क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी आल सच क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड ड्यूरिंग साइंटिफिक स्टडीज। देखिए बेटा, फिजिकल क्वांटिटी जो होता है, हम लोग क्या करते हैं, साइंटिफिक फॉर्म में किसी भी मेजरमेंट को लिखते हैं, ठीक है। सो आल सच क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड ड्यूरिंग साइंटिफिक स्टडीज। ठीक बेटा, ये आपका फिजिकल क्वांटिटी होता है। फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या, एक फार्मूला होता है, फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू जो आपका नंबर है वो रहेगा प्योर नंबर इनटू यूनिट इसकी कुछ रहती है, ठीक है। आप देखिए यूनिट क्या होती है, यूनिट क्या होता है, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस होता है, ठीक है, जो मेजरमेंट में यूज होता है। और नेक्स्ट हेडिंग इज यूनिट, यूनिट इज डिफाइंड एज द स्टैंडर्ड और रेफरेंस वी चूज टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को बेटा मेजर करने के लिए हम लोग जिस चीज़ का यूज करते हैं उसी को क्या कहेंगे, यूनिट कहेंगे। सो यूनिट इज डिफाइंड एज द स्टैंडर्ड और रेफरेंस विच चूज टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी। ओके, अब देखिए बेटा, हमारे पास जो बेसिक क्वांटिटी होती है वो 7 है, उसके 7 यूनिट्स भी होते हैं। सो आवर नेक्स्ट हेडिंग इज सम
बेस फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स। लिख लेते बेटा हम लोग, क्वांटिटी लिख देंगे फिजिकल और इसकी यूनिट लिखेंगे, ठीक है। देन सीरियल नंबर, बेस फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट्स, और वही कौन सी यूनिट लेंगे बेटा, SI यूनिट लेंगे। हमारे पास यूनिट कितनी होती हैं, जो मेजरमेंट यूनिट होती हैं ये 3 होती हैं, CGS ये हम आपको बता दे रहे हैं, जो आपकी मेजरिंग यूनिट्स होती हैं, मेजरिंग यूनिट्स में 3 हैं। फर्स्ट इज CGS, सेकेंड इज FPS एंड थर्ड इज SI यूनिट और MKS, ठीक है बेटा। जो हमारा मेजरिंग सिस्टम है इसमें तीनों यूनिट्स के अंदर में आता है। CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड यूनिट, फुट पाउंड सेकंड, SI स्टैंडर्ड यूनिट या इंटरनेशनल सिस्टम, और मीटर किलोमीटर सेकंड। अब देखिए बेटा ये जो यूनिट्स का सिस्टम दिया गया है इसमें क्या था, जैसे हम CGS की बात करें तो CGS मतलब सी फॉर सेंटीमीटर हो गया, सेंटीमीटर मतलब इसको क्या हो जाए, जो लेंथ होगी वो आप सेंटीमीटर में ना मेजर करेंगे। देन जी फॉर ग्राम, जो इसका वेट होगा वो ग्राम में होगा, और एस फॉर सेकेंड, सेकेंड मीन्स टाइम में, CGS में ये होगा। FPS में यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग, एफ फॉर फुट, जो आपकी लेंथ है वो फुट में नापेंगे, मेजर करेंगे। पाउंड जो होगा ये पी फॉर पाउंड हो गया, पाउंड क्या हो जाएगा इसका मास बताएगा, एवरेज टाइम हो जाएगा, सेकंड हो गया। SI में क्या हो जाएगा बेटा, आप लेंथ को मीटर में भी यूज़ करेंगे, के किलोमीटर को आप के फॉर KG किलोग्राम, किलोग्राम को किस में आप कवर करेंगे, मास को, और एस फॉर सेकेंड हो गया बेटा, ठीक है। जो यूनिवर्सल यूनिट है वो यही है, SI यूनिट है, ये सब जगह आपका काम करेगा। अब देखिए बेटा इसमें लिख लेते हैं, जो हमारा था बेस फिजिकल क्वांटिटी पे, तो पहला आपका इसमें हो जाता है लेंथ। लेंथ को बेटा एल से सिंबलाइज करते हैं, और इसकी जो SI यूनिट होती है वो है मीटर, इसको स्मॉल एम में डिफाइन करेंगे। सेकेंड इज आपका हो जाएगा मास, मास को स्मॉल एम से डिफाइन करेंगे, और इसे ना मेजर करेंगे किलोग्राम में, केजी। थर्ड हमारा है टाइम, और टाइम को टी से डिफाइन करेंगे, और इसको मेजर करेंगे सेकंड में, और इसका सिंबल हो गया एस। फोर्थ यूनिट आपका हो गया इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग किस में डिफाइन करेंगे, आई में करेंगे, और इसे किस में मेजर करेंगे, एम्पियर में, इसका सिंबल हो गया ए। फिफ्थ वाला आपका हो जाएगा टेम्परेचर हो गया, तो बोलेंगे थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर टी, इसे किस में मेजर करेंगे बेटा, केल्विन में, केल्विन फॉर के। और फिर आपका सिक्स में आ जाता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसको डिफाइन करेंगे मोल, मोल में, और एम हो जाएगा। और लास्ट में, लास्ट में आपका सेवेंथ आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इट इज डिफाइंड बाई आई वी, और फिर बेटा कैंडला में मेजर करेंगे। CD, ठीक है बेटा। तो ये रहा बेटा, अब देखिए फिजिकल क्वांटिटी में लेंथ हो गया एल, एल का हो गया आपका मीटर, मास, मास का हमने किलोग्राम लिया, टाइम का सेकंड हो गया इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर हो गया, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर केल्विन हो गया,
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपका क्या हो गया, मोल हो गया, एल्यूमिनेट डेंसिटी, कैंडला हो गया, बेटा क्या हो गया आपके बेस फिजिकल क्वांटिटी और इसकी एसआई यूनिट हो गई। तो बेटा आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में भी बताया जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।